कोरोना ने ना तो ये 2 साल ना दिवाली को एकदम बेकार कर दिया। इस साल हम लोग दिवाली ऐसे मनाएंगे ना कि तो कोरोना भी डर के भाग जाएगा, है ना। ये ना सबसे ज्यादा बेस्ट दिवाली का वो क्या रहता है, वो फोड़े पॉप शो जो पॉप करके साउंड देता है ना, हाँ वो ना हम बालकनी में जाके दिवाली के दिन ना जो भी आएगा ना उसके ऊपर फेंक देंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे उनका रिएक्शन। हाँ और फिर जब कोई देख लेगा, अगर देख लिया तो बोलेंगे बुरा ना मानो दिवाली है। अरे आंटी आप क्या देख रहे हो? अरे बेटा ये तुम्हारी हाथ में चौकड़ी सा क्या है? अरे ये तो मेरा स्मार्ट वॉच है। अरे वाह इसमें तो लाइट भी चल रही है, इसमें तो फोन भी आता होगा। हाँ हाँ आता है ना, ये स्मार्ट वॉच है इसमें मैसेजेस सब भी चलते हैं आते हैं, जिसमें पता है कितने बजे सोए। बस 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 समझ गए, शो ऑफ मत कर। मेरा स्मार्ट वॉच मैं शो ऑफ करूंगी, मेरा स्मार्ट वॉच है तो उससे 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है। और आपको पता है आंटी, पापा ने मुझे दिवाली के 2 दिन पहले एज अ दिवाली प्री गिफ्ट दिया था। तो ये बहुत महंगा भी होगा। हाँ आंटी पूरे 10,000 रुपए की थी। 10,000 तो मेरे 3 महीने की पगार भी नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मिला बेटा दिवाली में? अभी तक मिला नहीं पर मिलेगा। मैं ना एक महंगा लहंगा लूंगी अपने लिए। ओ देख महंगा लहंगा राइम करता है। हाँ जो भी, लेकिन मैं ना महंगा लहंगा ही क्या, मैं तो और भी बहुत सारे नए कपड़े लूंगी, पूरा शॉपिंग करेंगे, मजा आएगा। अरे अनु आयो चलो हम सब मिलके सफाई कर लेते हैं। oh, no. क्या हमें क्यों करना होगा, कांता दीदी है ना वो कर लेंगी ना। हाँ हाँ मैम साहब मैं कर लूंगी ना। अरे बेटा दिवाली के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और दिवाली में घर का कोना कोना साफ करना पड़ता है। कांता आंटी अकेले कैसे करेगी, चलो हम सब मिलके कर लेते हैं ठीक है। हाँ हाँ मम्मा चलो कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा तो हम जल्दी शॉपिंग करने भी जा पाएंगे, फिर मेरे लहंगा भी ले लेंगे। चलो चलो करते हैं। मैं पोछा मारूंगी, मैं झाड़ू मारूंगी। मैम साहब डस्टिंग तो मैंने कर ही लिया है, बाकी पूरे घर की सफाई अभी मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है चलो तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं किचन का देखती हूँ क्या बनाना है लंच में। ठीक है ठीक है चलो फटाफट चल रेडी होते हैं। चल सफाई करो मैं किचन का देख लेती हूँ। मैं जा रही हूँ उस रूम का करने। रुक मेरे लिए पहले मेरे को निकालने दे। रुक ठीक है यार जल्दी कर। हाँ चल घर की साफ सफाई करके तो मेरी पीठ ही दर्द हो रही है। तुम एक दिन में इतना थक गई, सोचो मम्मी की क्या हालत होगी, रोज वही काम करती है। कांता आंटी तो होती है ना वही तो करती है साफ सफाई। अच्छा मेरे लिए कांता आंटी है। कांता आंटी तुम्हारा दिन भर का फैलाया हुआ नहीं साफ करती है, समझी। मेरा भी झाड़ू मार के चल गई। लो इनकी भी हालत खराब हो गई। अच्छा एक काम करो, तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है ना, जाओ अभी नहा धो के तैयार हो जाओ, हम चलते हैं शॉपिंग करने। ये ठीक है।
जाओ तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए भी कुछ ले लेंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। ये बच्चे भी ना रोज आराम से बैठे रहते हैं, अगर एक दिन थोड़ा सा काम दे दो तो इनकी हालत ही खराब हो जाती है। मैम साहब काम हो गया, मैं जाऊं? अरे कांता आज बड़ी जल्दी है घर जाने की, वो थोड़ा किचन में सी था ना, वो भी कर देती। वो क्या है ना मैम साहब, कल दिवाली है ना, तो गुड़िया के लिए कपड़े लेने जाना था। अच्छा, छोटी के लिए? ठीक है ठीक है, जाओ तुम, मैं कर लूंगी। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू, थैंक यू मैम। मम्मा 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 मम्मा, मेरा स्मार्ट वॉच नहीं मिल रहा। मम्मा मम्मा मम्मा, आपने मेरा स्मार्ट वॉच कहीं देखा क्या? मैंने तो कहीं नहीं देखी। तुम्हारी आदत इतनी खराब है ना कि तुम अपनी चीज खुद नहीं संभाल पाती हो, इतनी बड़ी हो गई हो, पता नहीं कब अक्कल आएगी तुमको। अरे लेकिन मम्मा आपने मुझे बोला था कि गीला हो जाएगा तो स्मार्ट वॉच निकाल दो, तो मैं निकाल के उधर ही लिविंग रूम के टेबल के ऊपर रखी थी, लेकिन अब उधर नहीं है। अरे तो बाबा टेबल पे ही होगा, घड़ी को पैर थोड़ी है कि घर छोड़ के चला जाएगा, यही कहीं होगा। इतनी महंगी वॉच है, दो दिन भी नहीं हुआ, तुम अपनी चीज संभाल ही नहीं सकती हो। चलो हम सब मिलके खोजते हैं। कांता जरा देखो कहाँ पे है, तुम भी देखो। जी मैम। भगवान, ये लड़की पता नहीं कहाँ रख दी इतनी महंगी घड़ी, तेरे पापा सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं सर मैं जाऊँ, बहुत लेट हो गया है। यहाँ मेरी घड़ी खो गई इतनी महंगी, और तुमको घर जाने की जल्दी पड़ी है। कांता लिविंग रूम की साफ सफाई तुमने ही की ना लास्ट में, तो टेबल पे घड़ी थी क्या? हाँ मैम साहब, टेबल पे ही रखी थी। तो फिर कहाँ रखी तुमने घड़ी, क्योंकि हम तीनों तो रूम में थे, लिविंग रूम की साफ सफाई तो तुमने ही किया ना? यहाँ टेबल पे घड़ी थी क्या? नहीं 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 मैम साहब, मैंने नहीं लिया घड़ी को, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी मैम साहब। एक सेकेंड, आपको ही आज सुबह मेरी घड़ी बहुत पसंद आ रही थी ना? अगर कांता आंटी आपको मेरी घड़ी इतना पसंद था तो आप बोल देते, मैं आपके लिए नया ऑर्डर कर लेती, चुराने की क्या जरूरत थी? ये क्या कर रही है बेटा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं आपकी घड़ी क्यों लूंगी, मैंने नहीं लिया घड़ी बेटा। देख कांता, लास्ट में तूने ही घड़ी को देखा, तभी तो मैं सोच रही हूँ तुझे आज इतना जल्दी क्यों पड़ी है घर जाने की। अरे नहीं मैम साहब, मैं इसलिए जाना चाहती थी, कल दिवाली है ना, मुझे गुड़िया के लिए कपड़े लेने थे। देख कांता, कभी कभी इंसान का दिमाग फिर जाता है महंगी चीजें देख के, लेकिन कोई बात नहीं, तू बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, घर की बात घर में ही रह जाएगी। मैम साहब, मैं आपके घर 5 साल से काम कर रही हूँ, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कांता, आखिर मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी, पुलिस तुझे परेशान करेगी, इससे अच्छा तू बता दे घर की बात घर में ही रह जाएगी। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अरे आई मेरी घड़ी नहीं मिल रही, घूम गई। क्या घूम गई? अरे मैं संभाल के तो रखा था ड्रॉर में। क्या, तो इसका मतलब मेरा घड़ी ड्रॉर में है? हाँ। मेरी प्यारी घड़ी, मैंने कितना मिस किया तुझे, कैसे रह गई थी, मैं तो डर गई थी तेरे लिए। मेरी प्यारी घड़ी मुझे मिल गई, तेरी घड़ी मिल गई, मुझे तो पूरा टेंशन में ही डाल दी। सॉरी कांता, मैंने तुम पे फालतू में इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दे। सॉरी आंटी, मैंने भी आप पे बेकार में कितना शक कर दिया, मुझे आप पे झूठा इल्जाम नहीं लगाना था। कोई नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है मैम साहब। मैम साहब अभी मैं जाऊं? अरे रुको कांता, मैं आई एक मिनट। तेरी बेटी के लिए कुछ कपड़े हैं। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद मैम साहब, हैप्पी दिवाली। तो देखा दोस्तों, ऐसा क्यों होता है जब भी हमारे घर में कोई चीज खो जाती है
तो सबसे पहले शक हमें होता है हमारे घर में काम करने वाले लोग। गलती हमसे भी तो हो सकती है, हमारे घर वालों से भी हो सकती है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी साथ शेयर करना एंड जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए है।